हेलो एंड वेलकम टू ए स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड ए स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो आपने फ्यूचर के सेंटेंसेस तो पढ़े ही होंगे, विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि ट्रेंड है सभी विल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं शैल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूज ऑफ विल एंड शैल, गा गे गी, फ्यूचर में ही हम हमेशा विल और शैल लगाते हैं। तो हमें ये पता है अच्छी तरह से कि विल का इस्तेमाल हम सभी जगह करते हैं और शैल का इस्तेमाल हम आई और वी में करते हैं, लेकिन आजकल नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्यों करें और कैसे करें ये मैं आपको आज बताता हूं। जब कंडीशन ऐसी आ जाए, सेंटेंस हमारा ऐसा हो, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, अवश्य या जरूर, तो ऐसी कंडीशन में विल शैल की जगह ले लेता है और शैल विल की जगह ले लेता है। कंडीशन बदल जाती है, जैसे वह अवश्य जाएगा या वह जरूर जाएगा, ही शैल गो। अकॉर्डिंग टू सेंस आना तो ही के साथ विल चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जरूर वाली या अवश्य वाली, तो यहाँ पर हम शैल लगा देंगे। हमें यहाँ पर डेफिनेटली लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ विल की जगह शैल लगा दें और शैल की जगह विल लगा दें, हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा, आई के साथ शैल लगाते हैं जनरली, लेकिन क्योंकि कंडीशन है बिल्कुल नहीं वाली, कतई नहीं वाली, तो आई विल नॉट प्ले। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और फॉलो कीजिए पेज। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए बाय।